शोभा और आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही पनीर। तो आइए जानते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये देखिए, मैंने पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लिया है। मैं एक कटोरी दूध ली हूँ, ये एक पाव हमारा पनीर है, एक कटोरी दूध, दो बड़े प्याज, इसे हमें पीसना है प्याज को, चार चम्मच तेल है, जीरा, गोलकी, पोस्तू, मगज, काजू, दो हरी मिर्च, ज़्यादा झाल नहीं बनाना है, लहसुन थोड़ी सी, नमक स्वाद अनुसार, चीनी एक चम्मच। तो आइए पहले मैं इन सारे मसालों को पीस लेती हूँ और प्याज को अलग से पीसूँगी। तो ये देखिए, मैंने सारा मसाला पीस लिया है और ये मैं अलग से प्याज पीस के रखी हूँ। तो आइए पहले मैं अब गैस पे कढ़ाई गरम करूँगी, उसके बाद मैं इसमें ये तेल डालूँगी। जब ये हमारा तेल गरम हो जाएगा तब मैं इन मसालों को भूंजूँगी। तो ये देखिए, मैंने गैस पे कढ़ाई बैठा दिया, अब ये हमारा कढ़ाई गरम हो चुका है, अब मैं इसमें ये तेल डालूँगी। तो ये देखिए, अब ये हमारा तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें सबसे पहले ये पीसी हुई मसाला इसमें डालूँगी, इसे दो मिनट के लिए भूंजूँगी। तो ये देखिए, ये दो मिनट हमारा भून जा चुका है, अब मैं इसमें ये प्याज डालूँगी पीसा हुआ, अब मैंने ये नमक लिया है, नमक डालूँगी, अब इसे अच्छी तरह से भूनने तक पकाना है ढक करके। तो ये देखिए दोस्तों, अब ये हमारा मसाला अच्छी तरह से भुंजा के तैयार है, अब मैं उसमें ये चीनी डालूँगी, ये भी मिला लूँगी इस तरह से। फिर हमें ये पनीर डालना है, पनीर डाल के भी इसे अच्छी तरह से पहले मिला लेना है। तो ये देखिए, मैंने इसे भी मिला लिया है, अब मैं जो एक कटोरी दूध ली हूँ अब इसे इसमें डालूँगी, इसे डालकर अच्छी तरह से इसे मिलाना है, फिर इसे ढक करके 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है। ये देखिए दोस्तों, अब ये हमारा शाही पनीर तैयार हो चुका है, अब मैं ये गैस बंद करती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा शाही पनीर बनकर तैयार है। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।